तो गैस तुम लोग क्या जानते हो कि साइकिल में गियर जो रहता है उस गियर का कौन सा काम होता है, कौन सा गियर स्पीड चलाने के लिए लगता है, कौन सा गियर ब्रिज में उड़ने के लिए लगता है और कौन सा गियर में मैं स्टार्ट करता हूँ, ये तुम लोगों को दिखाऊंगा। और ये पोजीशन तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो एकदम सही वीडियो में तुम लोग आए हो। आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों को साइकिल का गियर पोजीशन तुम लोगों को दिखाऊंगा एकदम सिंपल तरीका से। तो मेरा नाम है अभिजीत, आप सब देख रहे हो अभिजीत चैनल। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, गियर साइकिल में बहुत किस्म का गियर होता है। बहुत साइकिल में सीमानो का गियर रहता है, बहुत साइकिल में माइक्रोशिप का गियर रहता है और बहुत से नॉन कंपनी का गियर रहता है। दो तरफ का गियर होता है, एक होता है ऐसे करके हैंडल में जो रहता है ऐसे करके, वो पुराना वाला साइकिल में होता है, अभी नया वाला साइकिल में वो अभी नहीं देता है। और एक गियर है थंब गियर, ये अंगुल से नीचे करता है और ये अंगुल से ऊपर करता है। गियर चेंज करने का टाइम में बहुत सिंपल से चेंज होता है। तो बहुत लोग क्या करता है, गियर जब साइकिल लेता है तो गियर में ऐसे ऐसे जोर से मारता है, ये एकदम ही गलत है। तो गाइस, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग क्या करता है, एक जगह खड़ा होके पैडल छोड़ के गियर मारता है, ऐसे ऐसे गियर मारता है, ये भी बहुत गलत है। इसमें क्या होगा, गियर का चेन टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है, जब साइकिल चलाते चलाते तुम लोग जा रहे हो तब तुम लोग गियर चेंज जब करोगे तब पैडल करते करते तुम लोगों को गियर चेंज करना पड़ेगा। जब देखना गियर ठीक से चेंज हो जा रहा है, फिर से और एक बार गियर चेंज करो। ऐसे ही तुम लोग गियर चेंज करोगे तो कुछ नहीं होगा गियर का। तो ये तो तुम लोग सीख गए। और देखो स्क्रीन में आ रहा है, स्क्रीन में देखो एकदम चार्ट वाइज लिखा है कौन सा गियर में जाएगा, फर्स्ट गियर कौन सा है, सेकेंड गियर कौन सा है और थर्ड गियर कौन सा है। तो गाइस, अभी तुम लोग कैसे गियर को चेंज करता है वो तो तुम लोग सीख गए हो। एकदम कैजुअल जब चलाते हैं तब कौन सा गियर में रहने से तुम्हारा पैर एकदम ठीक रहेगा और चलाने में कंफर्टेबल लगेगा, वो तुम लोगों को अभी दिखाऊंगा। तीन से पांच तक गियर में रहेगा पीछे और सामने दो नंबर गियर में रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही था सिंपल चलाने का गियर पोजीशन। अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा स्पीड चलाने के लिए कौन सा गियर पोजीशन एकदम सही होता है। साइकिल में स्पीड चलाने के लिए बेस्ट पोजीशन है सामने का तीन नंबर गियर में रहेगा एकदम बड़ा वाला गियर, और पीछे रहेगा सात नंबर गियर एकदम छोटा वाला गियर में। तो गाइस, यही था स्पीड चलाने का गियर पोजीशन। अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा कैसे पहाड़ में उड़ने का और ब्रिज में उड़ने के लिए कौन सा गियर जरूरी है और कौन सा गियर में तुम लोगों को आसान होगा, वो तुम लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो सामने रहेगा एक नंबर गियर एकदम छोटा वाला गियर सामने, और पीछे रहेगा एकदम बड़ा वाला गियर एक नंबर गियर। तो फ्रेंड्स, यही था ब्रिज में और माउंटेन में उड़ने का गियर पोजीशन। तो फ्रेंड्स, अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं कौन सा गियर में स्टार्ट करता हूँ। मैं सामने का रखता हूँ दो नंबर गियर और पीछे का रखता हूँ एक नंबर गियर, वो मेरे को बेस्ट लगता है इनका स्टार्ट करने का टाइम। तो फ्रेंड्स, यही था गियर पोजीशन का बेस्ट सॉल्यूशन। और अगर तुम लोगों को वीडियो में कुछ गलत लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मतलब मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उधर जाकर फॉलो करना। चलो, बाय।